नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है एक ऐसे स्टॉक से जिससे हम लोग बहुत आशाएं लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन इस कंपनी ने प्रदर्शन तो दे दिया है, पैसा तो बना दिया है, लेकिन एक बार फिर नतीजे बेहतरीन शानदार नहीं आए हैं। कंपनी का नाम है डीवीज लैब। इस शेयर पे आई थिंक मैं बहुत बुलिश रहा हूँ। मैंने बहुत निचले स्तर से अपने व्यूअर्स के साथ कॉन्फिडेंस शेयर कराया कि नहीं, आपके पास एक क्वालिटी कंपनी है, होल्ड करनी चाहिए, दिग्गज कंपनी है। मतलब अगर मैं कहीं फार्मा में इंटरेस्ट रखता हूँ तो उनमें से एक कंपनी ये है। इस प्रकार के आप सभी के साथ काफ़ी बार हमने कमेंट्स डिस्कस करे हैं और 3000 3500 से कंटिन्यू 5000 रुपए की बात करते आए हैं, 5000 हो भी गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि कल भी मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, कोई पर्टिकुलर डिटेल वीडियो तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि कंपनी के नतीजे आने हैं, नतीजे अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, खराब आ गए तो एक बार फिर डिप आएगी और डिप आ सकती है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है और वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब बाइंग तो बनी हुई है, नो डाउट। कहना सिर्फ इतना ही चाहूंगा, कल अगर कोई झटका मिलता है, कल इन द मीन मंडे को, तो आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। गैप डाउन हो जाए तो बिल्कुल भी आप मत बेचिएगा। हाँ, अगर आपको फ्लैट मिलता है तो आप चाहते हो 100 रुपए लगाए थे 40 रुपए बुक कर सकते हो। अगर फ्लैट मिलता है तो 3% नीचे ही खुल जाए या 4% नीचे खुल जाए या 5% नीचे खुल जाए तो फिर आपको लॉस बुक या प्रॉफिट से मतलब बुक नहीं करना, मतलब पैसा छूट जाए गैप डाउन से तो नहीं निकलना है। अगर आपको मौका देता है एग्जिट का तभी आप निकलिएगा, वो भी 40% पूरा नहीं। उसके बाद ये स्टॉक हो सकता है 4500-4500 तक आए, वहां पे आप वापस से एंट्री कर लीजिएगा, और अगर नीचे नहीं आता तो जो 60% आपका इन्वेस्टेड रहेगा उसी के साथ खुश रहिएगा, इतना ही कहना चाहूंगा। एवेंचुअली मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आपके लिए 5500 रुपए तक जाना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे तो मजा नहीं आया, खराब हुए हैं। पहले मैं नतीजे बताना चाहूंगा आप सभी को। कंपनी की अर्निंग्स 538 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 430 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप जो नंबर्स पढ़ रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार पढ़ रहे होंगे, 356 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 430 करोड़ हो गया है। एक्चुअली में ये साल दर साल कंपेयर कर रहे हो आप, जो आपको करना ही नहीं चाहिए। एक तरफ पूरी फार्मा इंडस्ट्री सुपर्ब कर रही है, वहीं डीवीज लैब थोड़ा निराश कर रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि मार्केट का अनुमान 500 करोड़ के मुनाफे का था, बाजार को भी पता था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ड्रॉप होगा, लेकिन इतना ड्रॉप होगा इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो अनुमान के सामने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लगभग 13-14% प्रॉफिट टूटा है, तो मेरे को लगता है नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बनता है। अगर आता है तो हमें क्या करना है, मैंने बता दिया, गैप डाउन हो जाए तो कुछ नहीं करना, और अगर मौका देता है उसके स्क्रीन पे गिरे तो आप जरूर 40% आप चाहो तो निकाल सकते हो। मार्जिन्स में भी प्रेशर आया है दोस्तों, जहां पे अगर आप देखें 32% के सामने 29% रह गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 28% के सामने 29% दिखेंगे। रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है, 2303 करोड़ से घटकर 2118 करोड़ पे आया है। एक्सपेंसेस में सुधार है, ये अच्छी बात है। कामकाजी मुनाफा 622 करोड़ पे आया है, 731 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंपल सी चीज बता रहा हूं, साल दर साल सब ऊपर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब नीचे है, बाजार के अनुमान से कमजोर नंबर है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कंपनी आज भी पसंद है, पहले भी पसंद थी, स्टिल पॉजिटिव व्यू है, लेकिन गिरावट में अब खरीदना है, अभी नहीं लेना है 5000 के भाव से। टेक्निकल टर्म्स पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत नहीं है, मेरे को नहीं लगता डिप भी मारेगा, और अगर मारता है देन आपके लिए 4500 पहले कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 4500 से आपने भी नोटिस किया होगा वन साइड 4900 हुआ है स्टॉक। तो अगर आपको डिप मिलती है अराउंड 4850 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेवल निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा 4500 रुपये तक का घर खुलता है, और 4500 रुपये का घर अगर खुलेगा तो फिर मेरे को लगता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, खरीदने का मौका होगा 5500 रुपये के लिए। बाकी जिनके पास है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ सेंटेंस, अगर गैप डाउन हो जाए तो नहीं एग्जिट करना, क्योंकि फिर तो निकल गया ना, फिर तो 5% गिर कर ही खुल रहा है तो क्यों, वो तो खरीदने का भाव बनने लगेगा वापस से। अगर मौका देता है निकलने का तभी निकलना है, वो भी फुल्ली नहीं, केवल 40%, क्योंकि 5500 जाना है इस स्टॉक ने, तो अभी होल्ड करने की राय, और 5500 पे भी हम रिव्यू करेंगे कि उसके ऊपर है जगह या नहीं, क्योंकि टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, लाइफ हाई ब्रेक करने की तैयारी में, और लाइफ हाई स्टॉक का ऑलमोस्ट 5500 के करीब का ही है, तो एक डिप आ सकती है इन नंबर्स के दम पर। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी,
डीवीज लैब के शेयर पे। होप आपको सारी जानकारी मैं सही से प्रोवाइड कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।